आगामी 2019 लोकसभा चुनावों के पहले चरण का चुनाव गाजियाबाद में होना है, लेकिन आप भी देखिए कि किस प्रकार गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय के आगे नमो अगेन लिखी हुई एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें मोदी मास्क, टी शर्ट, कैप, कप, चाबी का गुच्छा सहित कई तरह के सामान बेचे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, आपने ये शॉप लगा रखी है? जी, मोबाइल शॉप लगा है। जी जी, क्या क्या चीज़ें इस पर आप सेल लगा रहे हैं? ये टी शर्ट का प्राइस 150 रुपये है, मोदी मास्क का 200 रुपये, कप का सेल जो है प्राइस जो है 100 रुपये है, और ये बैच वगैरह हैं इसके 20 रुपये प्राइस हैं, ठीक है, कैप का 60 रुपये प्राइस है। अच्छा, इस पर हमने देखा कि ये चुनाव चिन्ह भी इस पर लगा हुआ है। जी, चुनाव चिन्ह वगैरह अब ऊपर से जैसा सेल करने के लिए जो आए हैं, ठीक है, वो तो हम लोगों को सेल करना है, और ये सेल नमामि गंगे की तरफ से मर्चेंडाइज जो भी है, ठीक है, और इसके तरफ से सेल करके ये पैसा गंगा की सफाई के लिए जाएगा। मास्क निकालिएगा, मास्क निकालिएगा। अमित वाल्मीकि। अमित जी, आप यहाँ पर काफ़ी टी शर्टें युवा लड़के पसंद कर रहे हैं, नमो अगेन की टी शर्ट, कैप है, और कैप है, कैप है, और हमारे मोदी जी का मास्क मिल रहा है, और टी का कप है, काफ़ी वैरायटी मिल रही है यहाँ पर। क्या ये कितने रुपए में बेची जा रही है? ये टी शर्ट के प्राइस जो बता रहे हैं 150 रुपये बता रहे हैं, और कप को, कप का जो प्राइस है वो 200 रुपये, और आपका 100 रुपये का, और 60 रुपये की कैप है, और आपका ये हमने 3 टी शर्ट लिए हैं और 2 कैप लिए हैं। कैप दिखा दे, चलिए। मेरा नाम नीरज वाल्मीकि है। नीरज जी, आपने यहाँ पर एक वैन खड़ी हुई है जो टी शर्ट वगैरह बेच रही है, क्या है पूरा मामला? ये हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के उपलक्ष्य में नमो अगेन के टी शर्ट वगैरह बिक रहे हैं, जो काफ़ी युवा लड़कों को उत्साहित कर रहे हैं मोदी जी के लिए, और काफ़ी हद तक ये बिक भी रहे हैं, बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। टी शर्ट की कीमत क्या है? टी शर्ट की कीमत कम से कम 150 है। और क्या क्या चीज़ है? और कैप है, जो कि मात्र 50 से 60 रुपये का कैप है। मास्क भी सुना है? मास्क की भी है, और कप भी है, काफ़ी चीज़ें हैं मोदी अगेन। कैसा मतलब बिक्री कैसी है? बिक्री अच्छी है, आप देख लीजिए, काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी युवा लड़के पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को।